तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि रेजिस्टेंस किसे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और डायमेंशन पे। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। मान लो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, कहानी यहीं से फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग का केस था शुरू स्ट्रेचिंग वाला, कि खींच के लंबा किए हैं या कंप्रेसिंग वाला। तो स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ बढ़ेगा और कंप्रेस करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ना मतलब रेडियस बढ़ना, और रेडियस पे चेंज होना या डायमीटर में चेंज होना, सीधा सा बात है। तो उसमें बताए थे कि जो मेरा नया रेसिस्टर आएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा, लेंथ के स्क्वायर के। अगर लेंथ हम दोगुना खींच देंगे तो मेरा नया रेसिस्टर जो होगा वो पुराने वाले रेसिस्टर से दोगुना, चार गुना हो जाएगा, स्क्वायर चार गुना हो जाएगा। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा उसके स्क्वायर के। ठीक है, ये बात बताए थे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। जैसे कि मान लो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल होता है कंप्रेस करने पे वायर को, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डबल होता है तो वहाँ यहाँ पर टू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, चार, यानी कि पुराने वाला रेसिस्टर का 1/4 हो जाएगा। इसे डायरेक्टली हम सॉल्व कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से बोले कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, क्वेश्चन इसके बाद से उठता है। बोलता है कि जो रेसिस्टर रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हर क्वेश्चन में नहीं देता है, वो बोलेगा रेडियस, बोलेगा रेडियस ऑफ वायर। तो रेडियस ऑफ वायर बोलने का मतलब एरिया को तुम क्या समझोगे, पाई आर स्क्वायर, और उसका स्क्वायर हो गया यानी कि पाई स्क्वायर और आर का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, आर का पावर 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्टर किया वो पाई स्क्वायर और आर का पावर कितना चला गया, 4। तो पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो उससे हमको मतलब नहीं है कि हम लोग ले रहे हैं क्या प्रोपोर्शनलिटी ना, कि भाई ये कितना पार्ट मैंने कितना रेशियो से बढ़ेगा। तो इसको अगर हटा दो तो जो मेरा नया वाला आर आएगा वो आर का पावर 4 के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, और फिर यही बात हम बताए थे कि जो रेडियस में चेंज हो रहा है वही डायमीटर में चेंज होगा, फिर वही पुराना कहानी। यानी कि अगर डायमीटर से लेके कहानी कह दे कि मेरा डायमीटर डबल हुआ है तो डी का पावर 4। अब बताओ सिंपल सा बात, मेरा रेसिस्टर आर था, कोई भी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आर था, डायमीटर हम डबल किए हैं। ठीक है, डायमीटर हम डबल किए हैं तो उस टाइम मेरा रेसिस्टर का नया वाला रेसिस्टर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डबल किए हैं तो 2 पुट करोगे तो 2 का पावर 4 16, तो 1/16 पार्ट में कट जाएगा। ये समझा, जैसे मान लो मेरे पास ये वायर था, ठीक है, ये वायर था, इसका शुरू में रेजिस्टेंस था 32 ओम, शुरू में रेजिस्टेंस 32 ओम था। अगर इसको हम कंप्रेस कर दिए और इतना कंप्रेस किए कि इसका जो डायमीटर डी था वो मेरा 2D हो गया, क्या हो गया, 2D हो गया, दुगना हो गया डायमीटर, दुगना हो गया। तो डायमीटर दुगना हो गया तो रिलेशन हम क्या देखें कि आर जो है वो कैसे इफेक्ट करेगा डी का पावर 4 के हिसाब से। तो यहाँ पे जब 2 पुट करोगे 2D तो 2 का पावर 4 16, यानी कि वो पुराने वाले का 1/16 हो जाएगा। 2 का पावर 4 कितना, 16, तो 1/16 हो जाएगा किसका, पुराने वाले का। तो मेरा नया वाला रेजिस्टर जो आएगा वो कितना ओम हो जाएगा, 2 ओम। इजिली क्वेश्चन बन गया, इसमें कोई फॉर्मूला पुट नहीं करना है, कोई रो एल वाई ए डबल आर कुछ नहीं करना है, इतना बात खत्म हो गया। ठीक, एक और बात छूटा था कि मान लो मेरा एक ये रेसिस्टर 10 ओम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लो ये वायर है, अगर हम यहाँ से इसको हम ऐसे कर दें टेढ़ा मेढ़ा कर दें तब भी इसका रेसिस्टर कितना होगा, 10 ही ओम रहेगा। उस इस ज्योमेट्री शेप पे चेंज नहीं करता है, टेढ़ा कर दो या एल बना दो या कुछ भी कर दो, ठीक है, रेसिस्टर चेंज नहीं करेगा। जैसे मान लो मेरा कोई वायर है यहाँ से यहाँ तक, यार 2 ओम का है, इसको हम ऐसे कर दिए तो क्या चेंज हो गया, अब काहे चेंज नहीं हुआ, काहे की लेंथ चेंज नहीं हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ, शेप चेंज हुआ है। तो रेसिस्टेंस शेप चेंज से उसको मतलब नहीं है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रेसिस्टिविटी सेम ही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ तक हम लोग का कहानी था रेसिस्टेंस में जो चेंज हम लोग पढ़ रहे थे। अगर क्वेश्चन बनाना चाहो तो चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन लिया जाए, देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बनाओ 2 वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए, देखो यहाँ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बोलना पड़ रहा है इसको, समझ रहे हो, काहे, रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन डायमेंशन इसीलिए इसको बोलना पड़ा। आर मैड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ द, देखो तो दिखाई दे रहा है ठीक से, क्वेश्चन ठीक दिखाई दे रहा है, एकदम नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा चलो हम बोलते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं।
बोलेंगे सेम मटेरियल। एंड हैव देयर डायमीटर इन द रेशियो मीटर द रेशियो वन रेशियो ऑफ देयर देखो हम लोग का क्वेश्चन था लिख रहा है जल्दी लिखो ऑप्शन का करेगा तो इसी बन जाएगा मुझे माने रेशियो वाला क्वेश्चन इतना इजी होता है कि तुम सोच नहीं सकता कुछ पुटपाट नहीं करना निपटा देना है खाली हो गया चलो देखो कुछ नहीं करना मान लो लिखो जल्दी लिखो आंसर देखते हैं देखो दो को मेरा वायर है देखो इधर दे देखो मान लो कि रेसिस्टेंस वन और इसका डायमीटर वन ये मेरा वायर है आर टू देखो इस दिख रहा है ठीक से ये दिख रहा है ना इसका डायमीटर टू मान लो ठीक है डायमीटर का रेशियो दे दिया मेरा डी वन इज टू डी टू मेरा कितना दे दिया फोर इज टू वन ठीक है हमको बस छोटा सा बात जो अभी जस्ट बताएं कि मेरा जो आर है मान लो जो मेरा आर है वो डी के कौन डी से कौन रिलेशन करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का और डी का पावर फोर डायमीटर का पावर फोर बताया ना रेडियस का जो डायमीटर का चेंज सेम होता है तो डी का पावर फोर तो अगर हम रेशियो लें अगर हम यहाँ पे आर वन इज टू आर टू करें मान लो यहीं पे करते हैं आर वन बाई आर टू करें ठीक है तो ये मेरा रेशियो देखो रेशियो में अगर हमको इसको वन बाई डी वन करें और यहाँ वन बाई डी टू करें ठीक तो पावर फोर से रिलेट करता है ना पावर फोर के साथ चेंज करेगा तो ये डी टू मेरा ऊपर चला जाएगा और डी वन नीचे आ जाएगा तो यहाँ देखो एक बार आर वन ये मेरा आर टू डी टू का पावर फोर और डी वन का पावर फोर डी टू कितना है वन तो वन का पावर फोर वन डी वन कितना है चार चार का पावर चार 256 तो रेशियो मेरा क्या हो गया वन इज टू 256 ख़त्म ठीक है इसमें कुछ था ही नहीं लाया ना आ गया जल्दी नोट करो नोट करने लायक इसे था नहीं कुछ इसमें उल्टा भी लिख देता है नहीं कौन कौन ए का स्क्वायर था बाबू एरिया का स्क्वायर था अब एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर ओम से लाड दिखा जाए कुछ और बनाओगे कुछ और एक और क्वेश्चन है बनाएगा क्वेश्चन लिखने का मन नहीं कर रहा यार एलईडी स्क्रीन रहता कट कट पार करते हैं क्या बोल क्या दीजिए क्वेश्चन बोलेंगे लिख पाएगा लिखेंगे कब ना
लिखो, एन इलेक्ट्रिक करेंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास थ्रू, एन इलेक्ट्रिक करेंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास थ्रू अ सर्किट, थ्रू अ सर्किट, सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 3 वायर्स अरेंज इन पैरेलल, इफ द लेंथ are in the ratio 2:3:4 and radii in the ratio of करंट पासिंग थ्रू देम, चलो बनाओ इसको। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 5 एम्पियर पास करता है कोई सर्किट पे, ठीक है, उसमें 3 वायर लगे हुए हैं जो तीनों वायर क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेशियो, जो तीनों वायर का लेंथ का रेशियो दे दिया तुमको और रेडियस का रेशियो दे दिया, रेडियाई का तीनों का रेडियस दे दिया। फिर पूछ रहा है कि बताओ कितना करंट पास होगा तीनों में, तीनों में जितना करंट पास होगा उसका रेशियो निकालना है, ठीक है, बनाओ। चलो देखो, हम लोग देखें कि करंट कितना पास हो रहा है, 5 एम्पियर का, ठीक है, रेजिस्टर में जा रहा है। क्वेश्चन ध्यान से देखना पहले, ठीक है, 5 एम्पियर करंट रेजिस्टर में जा रहा है, ठीक है, रेशियो दिया हुआ लेंथ का और रेशियो दिया हुआ रेडियस का, रेशियो पूछा है करंट का, हमको 5 से कोई मतलब नहीं है, कह कि रेशियो मतलब कितना कितना बटा 2:3:2 कितना था, हमको थोड़ी पूछा है, हमको पूछा कितना बटा है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि मान लो ये मेरा वायर है 1, 2, 3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ का रेशियो दे दिया है, कुछ नहीं छोड़ो, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है तुम्हारे पास, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, मान लो लेंथ का रेशियो दिया हुआ है और रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक बात। हमसे करंट का रेशियो पूछा है, सीधा सा बात बताना, तुम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सा बात बताना, आर जो होता है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है, मैंने लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टर बढ़ा, सही बात, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, ठीक, बताए थे कि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, लेकिन एरिया क्वेश्चन में नहीं देगा, वो देगा रेडियस ही डायमीटर, दे दिया रेडियस, दिया ना, तो हम इसके जब इसको रेडियस के फॉर्म में जब चेंज करेंगे तब पाई आर स्क्वायर मिलेगा, पाई से कोई मतलब नहीं है, खत्म। तो आर जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, लेकिन लेकिन आई जो होता है मेरा वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर चलता है ना, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, और करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, यानी कि अगर हम आई को रिलेट करें, आई का रेशियो पूछा तुमसे ना, तो आई को हम रिलेट करें, अगर आई को रिलेट करें इससे तो आर ऊपर चल जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर एल नीचे, सही बात, इतना समझ में आया, तो यही रेशियो बैठा दो यार, मान लो ये आई वन ले लेते हैं डॉट डॉट, आई टू दूसरा वाला, ये आई थ्री हो गया, ठीक है, यही रिलेशन सब में चलेगा, आर वन का स्क्वायर बाई एल, आर टू का स्क्वायर, यहाँ एल वन ले लो, ये एल टू लिख लेना इधर, और इसको आर थ्री का स्क्वायर बाई एल थ्री, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। अब पुट कर दो, कौन है आर वन, कौन है आर वन, कितना स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना हो गया, नौ,
9 बटे 2 इज टू आर टू, आर टू कितना 4 का स्क्वायर 16 बाई 3, 16 बटे 3, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 बटे कितना 4। अब रेशियो कभी भी बताते फ्रैक्शन में मत छोड़ना, नीचे वाला का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 से जब मल्टीप्लाई करोगे सबको, सबको मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो कितना हो जाएगा, देखो 6 कितना हो गया 9 छक 54, 4 16 चौके 64 और 3 15 पचे 75। तो ये मेरा आई वन आई टू का रेशियो आ गया। आर का निकालना था, एल स्क्वायर बाई स्ट्रेचिंग कहाँ है यार इसमें, पैरल सिर्फ लगा है, 5 मेंबर से कोई मतलब नहीं था, झूठ मूठे दिमाग लगाना था, खाली रेशियो निकालना खत्म, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो फिर से एक बार समझो, मेरा आर रिलेट किया ना एल बाई आर स्क्वायर से, इतना तो समझ में आता है। और हमको निकालना करंट का रेशियो, अगर डायरेक्ट रेसिस्टेंस का रेशियो पूछ देता हो तो बच्चा भी निकाल लेगा, ठीक है। मैंने अगर मान लो कि कोई नॉर्मल फॉर्मूला सिर्फ पढ़ा है तो उसके लिए तो मुश्किल है भाई, जो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा है आर बराबर रो एल बाई ए, उसके लिए मुश्किल है आर वाला का भी निकालना। लेकिन इतना तुम लोग को बता दिया तो देखो यहाँ से तो आर का अगर पूछ देता कि मान लो कि अगर तुमसे आर वन आर टू आर थ्री पूछ देता, निकल जाता कि नहीं निकल जाता बोलो। हाँ हम एक स्टेप इधर जाते ही नहीं, हम यहीं से निपटा देते एल बाई आर स्क्वायर, एल बाई आर स्क्वायर, एल बाई आर स्क्वायर, एल बाई आर स्क्वायर, खत्म। रेशियो कब यूज़ करोगे, जब गिवन भी रेशियो हो और पूछे भी रेशियो में, इन्हें कि कुछ कुछ दे दिया अब रेशियो में लग गए, ठीक है। लिखो जल्दी, लिखने लायक तो कुछ दिख नहीं रहा हमको, लेकिन लिख लो, कुछ दिखे तो लिख लो। ठीक है अबे क्वेश्चन बनाना, आज खाली क्वेश्चन हो रहा नहीं, थ्योरी नहीं पढ़ाया का, अभी दूसरा बुक से निकालते हैं। दूसरा बुक से अगर क्वेश्चन देखो डेढ़ हो जाएगा खत्म। देखो मिटा दें नामो निशान, मिटा दें कैसे नो, कुछ बोलो यार, समझ मन में आ रहा है ना, हाँ पढ़ाने सीख रहे ना हम। वही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सीख रहे हैं ना, अभी टाइम लगेगा यार, इतना परफेक्शन कहाँ से लाओगे आदमी। देखो क्वेश्चन है, डब्लू बनाया क्वेश्चन एक, डब्लू तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, टू वायर ए एंड बी, कोई दिक्कत, मतलब वायर से क्या दिक्कत है भाई, ऑफ इक्वल मास, इक्वल मासेस, दोनों का मासेस इक्वल है, ठीक है। एंड ऑफ द क्वेश्चन, खत्म होने से पहले हमको सोल्यूशन चाहिए। अरे अरे का दिमाग का लगा रहा है, मारेंगे सीधे हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म होने से पहले हमको आंसर चाहिए, ध्यान से पढ़ते रहो इसीलिए। पता चल रहा है कि जो छोटा ही दिख रहा है वीडियो में, देखो तो ठीक है। मैं कहाँ थे भाई, आर मेटल टेकन, ठीक है। अब क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द वायर, तो वायर ए इस, देखते हैं कौन बनाता है पहले, कहा कुछ नहीं अमन बना देगा उम्मीद है, अरे का उम्मीद तोड़ देगा तुम लोग यार, एग्जाम देने जाना है तुम लोग, कैसे कैसे कर रहा है। हमको लगा सेटिंग वेटिंग करेगा क्या इसके स्कूल से, चलो फॉर्म भर दिया ना सब, हाँ तो बुक हो गया होगा सारा, होने से नहीं मतलब, जैसे मान लो कि अगर बुक हो गया हो तो कहाँ से दिखा होगा, तुम्हारा आ गया तुम्हारा, डब्लू तो उधर हो जाएगा तो छोड़ के चल जाएगा, नहीं मैंने उधर हो जाएगा तो ट्यूशन से सब छोड़ के चल जाएगा, है
बोलो कि जाएंगे, क्या करेगा तुम लोग यार। चलो खत्म हो रहा क्वेश्चन मेरा, रुकना का है, कहना कुछ नहीं चाहता, सोल्यूशन दो। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, अभी से कौन आसान क्वेश्चन है, 96 इतना भी गलत नहीं होना था, इतना भी गलत कैसे हो सकते हो भाई। देखो क्वेश्चन सुनो, टू वायर ए एंड बी, दो गो वायर है, इक्वल मासेस, दोनों का मास सेम है, फिर बोलता है सेम मेटल, मटेरियल सेम है, द डायमीटर ऑफ वायर ए इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बी, बी के वायर से ए जो है आधा है, फिर इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर ए इज 24 ओम, द कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ वायर बी। ठीक है, चलो जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। अनूप चल, देखो देखो क्वेश्चन इसलिए नहीं बन रहा, ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो तुम लोग, इसीलिए क्वेश्चन नहीं बन रहा। ठीक है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है भाई, दो वायर है ना मेरे पास, बोल हाँ, इक्वल मास, ठीक, इक्वल मास मतलब समझना कि मास इक्वल है और छेड़छाड़ कर रहे हैं, यानी स्ट्रेचिंग कंप्रेशन कर रहे होंगे। अरे देखो भाई, दो वायर है मेरे पास, ठीक है, दो वायर है, बोल दिया कि दोनों का इक्वल मास है या वॉल्यूम है, और इसके डायमीटर के साथ छेड़छाड़ किए हैं और इसके साथ नहीं किए, तो ये वही वाला हाल हो गया कि मेरे पास पुराना जैसा था उसको छेड़छाड़ करके फिर नया किए, नहीं समझा लॉजिक। देखो मेरे पास एक वायर रहता था जिसमें मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, लेंथ ए था, ठीक, इसी को ना स्ट्रेच करके 2L 3L 4L करते थे, तो एरिया, मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाता था, सही बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते थे कंप्रेस करके तो एल मेरा घट जाता था, ठीक है, तो मेरा दो को जो रेसिस्टर आता था चेंज करने के बाद, देखो इसी को चेंज करके इसे करते थे, ठीक। अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि मेरे पास दो वायर ही है, मेरे पास दो वायर ही है जिसका मास सेम है, मास सेम मतलब वॉल्यूम सेम समझो, ठीक है, वॉल्यूम मास मटेरियल सेम समझो कि वॉल्यूम सेम को बात कर रहा, ठीक है, और इसको इसके कंपेयर में इसका डायमीटर आधा है, या मान लो कि इसका ए है तो ई टू ए है, ई ए है तो ई टू ए है, क्वेश्चन बोलेगा कि दो कंडक्टर है या वायर है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके ई डबल है, इसके ई डबल है, तो लेंथ का उसे क्या मतलब है, सीधा बात है कि दोनों सेम था शुरू में, इक्वल मासेस बोला तो दोनों सेम था, ठीक, तुम इसको फिर जो चेंज किए हैं वही कंडीशन यहाँ पे चल रहा है, मान लो इसको हम 2a किए होंगे, वही कंडीशन यहाँ चल रहा है, पिछले में जो हम देखे कंप्रेस करके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल किए, तो उसमें भी तो दो केस बना, एक पुराना वाला एक नया वाला, आई दो को ऐसा रेडीमेड वायरें दे दिया कि ले भाई मास वॉल्यूम सेम है, इसका क्रॉस सेक्शन ए है, इसका 2a है, तो जो केस इसके साथ चल रहा है वही केस तो इसके साथ चलेगा। सुन तो पहले, तो एरिया चेंज, डायमीटर चेंज, हम एग्जांपल बता रहे हैं, हम ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम कंडीशन बता रहे हैं कि जो हम लोग पढ़ें कि जो चेंज हुआ वायर में कंप्रेस वम्प्रेस करके, दो केस बना ना भाई, एक पुराना वाला एक मेरा नया वाला, अगर कोई क्वेश्चन रेडीमेड कर, रेडीमेड मतलब बना उना के तुमको दे दे कि हाँ भाई एक वायर पुराना कंडीशन डाल दे, एक वायर ये है, एक नया कंडीशन डाल दे कि इसका डायमीटर आधा हो गया है इन कंपेयर ऑफ ए, तो बतिया तो वही केस है, केस तो वही बन रहा है ना, स्ट्रेचिंग ही वाला केस ना बना, अभी भी नहीं समझ में आया मोहित, नहीं आया, चल देखो फिर से इसी बात को फिर से दोहराते हैं, अगर देखो अगर मेरा ये लेंथ एल, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ई या डी मान लो, डायमीटर डी अभी, ठीक है, और अगर हम इसको इस क्या क्या कंप्रेस किए, सॉरी कंप्रेस किए, तो ये 2D बन गया, और एल क्या हुआ हमको मतलब अभी नहीं है, हमको अभी मतलब नहीं है कि एल क्या हुआ, छोड़ो ना, ये 2D बन गया और ये एल बाई टू बन गया, चलो मान लेते हैं बना ना, तो ऐसा जब केस होता है कि इसको हम कंप्रेस करके 2D किए, तो फॉर्मूला लगाते हैं आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी बाई फोर, डी का पावर 4, करते हैं नहीं करते हैं बोलो, इतना तो पता है, ये करते हैं, या अगर एल चेंज किया तो एल के कंपेयर वाला लगाते हैं कि एल जो है इन्वर्सली, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, मैंने एल में जो चेंज आया होगा, अगर 1/2 तो यहाँ 1/2 करेंगे, ठीक है, चेंज आता होगा, तो ये दो केस बना कि नहीं, देखो तुम्हारे पास एक पुराना रेसिस्टर एक नया रेसिस्टर बना ना, अब क्वेश्चन तुमसे पूछ दे कि देखो भाई मेरे पास दो रेसिस्टर ऑलरेडी है, जिसमें कि बात यह है कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, अब बोलेगा कि इसका डायमीटर, ए का डायमीटर बी
बी से आधा है, बी से आधा क्वेश्चन ही बोला है, चलो यही क्वेश्चन पे चलते हैं। बी से ए का डायमीटर आधा है, यानी बी दुगना डायमीटर है, ई डी है तो ई टू डी है, ठीक बात, ई डी है तो ये टू डी है, केस वही, क्यों, क्योंकि यहाँ मासेस सेम बोला, दोनों का मास सेम है और डायमीटर में चेंज है, तो जैसे जैसे डायमीटर चेंज हुआ होगा वैसे वैसे लेंथ भी तो चेंज हुआ होगा, हैं? तो मेरा पुराना हमको वापस ले गया वही वाला केस, वही कंप्रेशन और स्ट्रेच वाला केस में हमको लेके चला गया, जिसमें आर जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d का पावर 4 था। अगर ये इसका आधा है और ये 24 है, 24 ओम इसका रेजिस्टर गिवन है, ठीक, और इसका आधा है, तो हम लोग देखें कि जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किसे, किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/d का पावर होता है, तो अगर d में कितना चेंज है, हाफ का, तो 2 का पावर कितना, 16, 2 का पावर 16, अरे सॉरी 2 का पावर 4 कितना होगा, 16, तो अगर 1/16 चेंज आएगा किस में, ए में, काहे कि ए का गिवन है ना, अब पूछा है बी का, तो 1/16 किसका करोगे, 24 का, तो काट के कितना आएगा, 1.5 आंसर। और तुम्हारे बुक में दिखाते हैं कहाँ ज़्यादा होना चाहिए, बुक में सोल्यूशन है बहुत सारा, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ से खींचा है पूरा, वॉल्यूम रो डेंसिटी वगैरह वगैरह, हाँ बोलो, तुम दिमाग तुम्हारा शांत नहीं है, डायमीटर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम ना होगा भाई, तुम 296 रेजिस्टेंस ले ला रहा, कॉमन सेंस क्या भी आदमी बता देगा कि जब डायमीटर मेरा बड़ा है तो रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा ऑलरेडी, डिवाइड का डिवाइड ना किया है, हाँ तो तुम मल्टीप्लाई के तो तुम ज़्यादा होशियार है, तुम्हारा इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल जा रहा था इसीलिए, हाँ 3 के पावर 2 कर दिए थे, हीरो है तुम लोग, चलो आया नहीं समझ में आया, समझ में आया ना, हाँ बोलो, हाँ वो तो लेंथ और मास का रेशियो दिया रहा है तब, हाँ देखो हिल गया कैमरा, कैमरा हिल गया, हाँ अरे इसी को हम वहाँ बना के लिखे हैं बाबू, यही भी को हम वहाँ चेंज किए, तुम वापस काहे बना रहा है, तो वापस तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा जो तुम था, ए ऊपर चला जाएगा, हाँ ठीक है, 2/a1 हो गया, हाँ 2d, देखो 2d स्क्वायर तुम छोड़ दिया ना, बोले ना, चलो देखो कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था, कंप्रेशन है, मैंने देखो स्ट्रेचिंग वाला केस ही तुमको दे दिया, बोले ना कि देखो या तो उस सब करोगे तो 2 केस बना ना, ये ऑलरेडी बना के दे दिया जिसमें एक ये बात बोल दिया, इक्वल मास, इक्वल मास कौन से वही लगेगा, इक्वल मास बोल दिया, आप चेंज करेगा तो भाई वही बात है ना, चलो देखो एकदम सही जा रहा था, अभी एक बैग भी सबर करो, चलो कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन तो बना लिए, हाँ एक और क्वेश्चन खोजते हैं, रुको, मैंने वो क्वेश्चन बनाया कि मानेगा नहीं मानेगा इसे, हाँ जाना है, जाओ चल जाओ जाओ क्लास से, चलो वीडियो रहेगा ना देख लेना यूट्यूब पे, प्रमोशन इस प्रमोशन का होता है यार।